के मोटर ब्लॉग्स भी बनाएंगे तो हेलो जी, तो आपने भी वीडियो पर क्लिक कर दिया तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना और बताओ कैसे हो आप सब। ठीक है, बढ़िया हो, मस्त हो मेरी तरह। तो मुझे आपको बताना था, मेरा मित्र गुलजार जा रहा है अपने घर वापस, वो मतलब वेस्ट कार्बेलोंग में रहता है और हमारे यहाँ जमुनापुर आया था अपने बड़े भाई के घर पे ईद के वक्त। अब तब तो मतलब स्कूल भी बंद था, तब स्कूल भी खुल चुका है, तो वो जा रहा है फिर से अपने वेस्ट कार्बेलोंग अपने छोटे भाई के पास। उसके छोटे भाई वेस्ट कार्बेलोंग में रहता है, बड़े भाई हमारे यहाँ जमुनापुर में रहता है क्योंकि छोटे भाई का कारोबार वहीं पे है। तो वो जा रहा है वापस, तो जाते उसके घर सामने कुछ देर, वो थोड़ा सा दूर है हमारे घर से बड़े भाई का घर, तो वहीं पे हुए, चलो जाकर उससे मिल लेते हैं। लास्ट टाइम जाते गुलजार के घर जाकर उससे मिल लेते हैं, पास ही है, बस ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा बस थोड़ा रास्ते के उस पार ही उसका घर है, तो उससे जाकर मिलते हैं। यो गाइस, आज मौसम बड़ा ही अच्छा है, धूप बहुत ज्यादा है और गाड़ियां चल रही है, ये चेक करो मौसम। एंड उसके घर जाते हैं, उससे मिलते हैं, आखिरी बार बाय बोल देते हैं, फिर कब आएगा आई डोंट नो, मुझे सही से पता नहीं वो फिर कब आने वाला है, पूछेंगे उससे। एंड या गुलजार का घर ये रहा। तो दोस्तों, मैं गुलजार के घर के अंदर आ चुका हूँ एंड अभी वो कहाँ है पता नहीं, उससे मिलते हैं। यार बोलो क्या कर रहे थे? वीडियो बना रहा हूँ। गुलजार अपना वीडियो बना रहा है तो उसकी वीडियो को उसे बनने देते हैं, फिर आप लास्ते मतलब मिल लेते यार, पता उसे ये भी पूछेंगे कि वो कब मतलब फिर से कब आ रहे हैं यहाँ पर हम रैंक से, तो कंप्लीट होने देते हैं, फिर मिलते हैं उससे लास्ट टाइम। हेलो जी, तो गुलजार का वीडियो कंप्लीट हो चुका है, उसने अपना वीडियो बना लिया, अब मैं इसका बैग लेकर बाहर खड़ा हूँ क्योंकि उसका इंतजार करते हैं। घर से बाहर निकलेंगे, उसको आधे रास्ते तक हम छोड़ देंगे। एंड अभी यार घर के अंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब सब अपने भतीजी भाभी सबसे मिल रहा है क्योंकि बहुत देर बाद आए, बहुत दिनों के बाद आएगा फिर से वो। गाइस हेलो, हेलो सर। तो ये जा रहा है गाइस, वैसे पता अच्छा चल तूने अपना वीडियो बनाया तो मैं तेरे को शाउट आउट देता हूँ, जाते कुछ चुपता है साला, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। मम्मी बुला रही है, तू बात कर, मैं आ रहा हूँ। हाँ उसकी मम्मी बुला रही है तो उसे आने देते हैं, फिर बातें और करते हैं, बनाना जाए ब्लॉग बन रहा है, मुझे पप्पी नहीं दे रही, जीवन दुख बहुत। या अच्छा दोस्तों, फाइनली मतलब ये जाने वाला है, जाने देते ये इसको रखकर भी क्या करें। अच्छा बता कब आ रहा है वापस, कब आएगा पता नहीं, विंटर सीजन में आऊंगा सर। हाँ बहुत वक्त लगेगा उसे आने में यार, देर तो होगी, तो वो निकला मेरे को, मुझे भी बहुत सारे काम मेरा है, मेरा फोन स्क्रीन टच है लेकिन मेरा स्क्रीन टच ही नहीं होता फिर भी ऑपरेट होता है, फोन हैंग हो रहा है इसका, मेरा भी भाई बहुत ज्यादा हैंग होता है, नया खरीद ही नहीं पा रहा, पैसे ही नहीं है तभी यहाँ पर मतलब गुलजार एंड ये है, ये है गुलजार की मम्मी एंड अभी मतलब गाड़ी का इंतजार किया जा रहा है कि गाड़ी आएगा फिर निकलेंगे वो लोग। लो जी भाइयों, गाड़ी आ चुकी है एंड अभी गुलजार भाई बैठा काफी हूँ, बाय बाय सर, बाय सर। A few moments later. तो अभी मैं गुलजार के घर से अपने घर में पहुंच चुका हूँ और आज है संडे और संडे को है बॉले बम, आपको तो पता होगा बॉले बम के बारे में, और पता नहीं ये मुझे पता नहीं बॉले बम का अगर कुछ और भी नाम हो तो मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट करके बता देना अगर कुछ और नाम है इसका। तो वही देखने के लिए मैं जा रहा हूँ शुरुपतर, शुरुपतर में अपनी नानी का घर भी है, मामा का घर, तो मैं आपको शुरुपतर जाकर रात को बॉले बम का कुछ सीन शॉर्ट्स दिखाने की कोशिश करूंगा, और ऐसे भी रात को क्वालिटी सही नहीं आती पर मैं जितना हो सके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मजेदार शॉर्ट्स लेंगे एंड आपको दिखाएंगे रात को कितनी क्राउड होती है मतलब सारी चीजें। तो अभी मैं निकलता हूँ भोले बम को देखने के लिए। A few moments later. अभी मैं जो शोरूपतर में जा रहा हूँ वो साइकिल से जा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ का सीन ऐसा है ना, अगर आपको गाड़ी से जाना तो एक डेढ़ घंटा इंतजार करना पड़ता है गाड़ी आने का, और मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता यार, सोचा साइकिल से चले जाते, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे साइकिल लेकर ही चले जाता हूँ, क्या करूँ बाइक है ही नहीं। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करते हो, फ्यूचर में बाइक खरीदेंगे, मोटर ब्लॉग्स भी बनाएंगे, तो थोड़ा सा प्यार बरसाओ, सपोर्ट करो वीडियो को, यहीं पे लाइक ही कर दो एंड अब सीधा आपसे जाकर शोरूपतर मिलते हैं। जो गाए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात, ओए चुरा के दिल तेरा हम दूर भाग। तो दोस्तों अभी हम फोर लाइन पर घूम रहे हैं, यहाँ पर ये हमारे मास्क वाले भैया जो कि पता नहीं अपना मुंह क्यों छुपा रहे हैं, अभी ज्यादा क्राउड नहीं है, बस आधा घंटा इंतजार करो देखना कितने क्राउड होती है। और यहाँ पर देखो थार, सौरभ जोशी की थार नहीं है पर रेड कलर का है, पर थार है। गाइस ट्रैफिक चेक करो, यहाँ पर इतनी ट्रैफिक कभी नहीं होती है, भले बम है इसीलिए मतलब ज्यादा ट्रैफिक है, अभी तो कार है, लोग देखना रात को कितने आते हैं, आज तो मजा ही आएगा।
गाइस क्राउड बढ़ चुकी है पूरी तरह, देख सकते हो। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी भीड़ थी, इतने शोर था कि मैं कुछ बोलूँ भी तो आपको सुनाई ना दे, इसलिए यार वॉइस ओवर कर रहा हूँ। यार यहाँ पर इतने सारे लोग थे, इतनी क्राउड थी, मज़ा आ गया। एंड आप देख सकते हो मेरा फ़ोन ना हिल रहा है क्योंकि वहाँ पर इतने सारे लोग थे, मुझे डर लग रहा था कि मेरा फ़ोन हाथ से छीन ना ले, इसलिए मैं जैसे व्लॉगिंग भी नहीं कर पाया और मैंने फ़ोन को बहुत टाइट से पकड़ रखा था। उधर ऐसे घूमने के बाद हम गए मार्केट के अंदर, बहुत सारी दुकानें खोल रखी थी, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बेच रहे थे, हम उन्हीं को देख ही रहे थे। कुछ देर ऐसे सारी चीज़ों को देखने के बाद हमने सोचा जाकर क्यों ना कुछ खाया जाए, तो हम गए आइसक्रीम खरीदने के लिए। हमने जाकर ये वाला आइसक्रीम खरीदा, आप देख सकते हो, पर इसका टेस्ट बहुत ही गंदा था, पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आया मुझे। तो फिर हम गए गोले खाने के लिए, तो हमने जाकर गोले लिए, 20 रुपये का था गोला। गोला खाने के बाद हम गए खिलौने के दुकान पर, खिलौने के दुकान पर जाकर हमने ये वाले खिलौने लिए अपनी बहन के लिए, आप देख सकते हो ये वाले खिलौने। हम खिलौने को लेकर बच्चों की तरह खेल रहे थे, वहाँ पर इतने सारे लोगों बीच में ऐसे मस्ती कर रहे थे। मस्ती करते करते मुझे बस एक बात का डर लग रहा था, कहीं मेरा फोन हाथ से गिर ना जाए, कोई छीन ना ले, क्योंकि यार डर लग रहा था यार ब्लॉगिंग करते समय अगर किसी ने फोन छीन लिया या फिर गिर भी गया इतने क्राउड में, गिरा तो भी खत्म, अगर किसी ने छीना तो भी खत्म। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया एंड हमने मस्ती की, बहुत ज्यादा मस्ती की वहां पर। ये लड़का तेरे नाम। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। अरे स्वागत नहीं है, यही वीडियो में दूसरा वीडियो नहीं है। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं क्योंकि मैं रात को ना इतना थक सा गया था आकर बोलबम से, तो मैं सो गया था, तो अभी इसीलिए सुबह उठकर ये मैं सीन शूट कर रहा हूँ। और अभी मैंने चाय पी लिया है, चाय पी लो। गाइस इनोवा मारुति सुजुकी, हमारे मामा के पास तो गाड़ी, मतलब हमारे मामा का तो यही है, और ये इनके पास दूसरे लोगों का है, उन्होंने रखा है यहाँ पर। हाँ, उधर से रात को इतनी सारी क्राउड थी, भीड़ थी, मतलब ऊपर से लोग जा रहे थे। Few moments later. दोस्तों फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं और मुझे आते तो शुरू पता से साइकिल से पूरा आधा घंटा लगा। तो इस वीडियो को यही पेन करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। वीडियो को यही तक देखा है तो वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं अपने इस तरह के ब्लॉग्स लेके आता रहूंगा बार बार मजेदार, और भी बस एक बार मैं एक अच्छा सा फोन खरीद लूं, आईफोन 12 जो मैं खरीदना चाहता हूं, फिर देखना मैं क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ, कंटेंट सब कुछ बढ़िया मिलेगा। यार ये बैकग्राउंड में ये क्या मतलब नॉइज आ रहा है, चलो यार इसी को एंड करते हैं, मिलते हैं इस तरह के एक और मजेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहो, खुश बांटते रहो यार, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।